नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा जिले के बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर कृष्ण विहार में पानी की टंकी गिरने के मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने टंकी का निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पानी की टंकी का निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक का नाम त्रिलोक सिंह रावत, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको यह बता दें कि त्रिलोक सिंह रावत उत्तराखंड के नैनीताल का रहने वाला है। कोतवाली पुलिस ने दिल्ली आगरा हाईवे के पास राजीव नगर से उसे गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस की टीमें आगरा की मैसर्स एसएम कंस्ट्रक्शन और मैसर्स बनवारी के मालिकों की तलाश में लगातार दबिश दे रही। तो बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। पानी की टंकी गिरने के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है, तो त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो पानी की टंकी गिरने के मामले में गिरफ्तारी हुई है, त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है और एसएम कंस्ट्रक्शन और मेसर्स बनवारी के मालिकों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। मथुरा फारूक, ये मथुरा में जो घटना घटी और इसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और पूरा मामला क्या है, और भी गिरफ्तारियां आगे हो सकती हैं? फारूक बताएं कि इसमें अभी ये पहली गिरफ्तारी हुई है जिसमें त्रिलोक चंद्र रावत जो है ये पार्टनर थे फर्म में, और इनकी पहली गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया था। एसएम कंस्ट्रक्शन और बनवारी लाल मेहसर बनवारी लाल दो लोगों की पुलिस को अभी जो है तलाश है। और अभी जो टंकी का मामला है, कल आईआईटी रुड़की के कुछ इंजीनियर्स आए थे जिन्होंने इसकी जांच करी थी। जो मटेरियल घटिया किस्म का लगाया गया उस टंकी में, उसकी जो है पूरी तरीके से जो जांच के सैंपल हैं वो लिए गए हैं। आईआईटी रुड़की में इसकी जांच होगी क्योंकि रुड़की के जो इंजीनियर्स हैं वो अब इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला था। चार इसमें मौतें सुन आ रही हैं, लेकिन तीन मौतें जो है जरूर प्रशासन की ओर से घोषणा की गई है कि तीन मौतें होंगी इसमें। दो महिलाओं की तो उसी समय मौत हो गई थी जब टंकी गिरी थी। तो ये भ्रष्टाचार की जो टंकी थी वो उसके निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ था, यानी 2021 में अगर कोई ओवरहेड टंकी बनती है और गंगा जल परियोजना के अंतर्गत उस टंकी का निर्माण हुआ तो उसको लेकर लोगों में काफी रोष है। इसमें 11 लोग जो है अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और 11 लोगों की जिसमें 4 लोगों की स्थिति अभी भी काफी चिंताजनक बनी हुई है। एक व्यक्ति की अस्पताल में ही अभी परसों मौत हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जांच चल रही है और कुछ इंजीनियर्स जो जल निगम के थे उनको भी सस्पेंड किया गया था, जिसमें 5 इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे। अब ये देखना है कि इनके खिलाफ विभागीय क्या कार्रवाई शिवम आगे होती है। जी फारूक, तो एक तो टंकी गिरी क्यों थी, दूसरा ये जो गिरफ्तारी हुई है, त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, क्या वजह, पुलिस के बयान, जो पुलिस की तरफ से बयान आए हैं कुछ इस पूरे मामले में कि पानी की टंकी गिरने की वजह क्या है, क्या वेस्ट मटेरियल भ्रष्टाचार यही कारण है या कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से पानी की टंकी गिरी? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि जो पानी की टंकी ये जो गिरी है इसमें जो घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है उसको देखते हुए आईआईटी रुड़की जांच कर रही है। और उसमें जो है जो सॉइल थी जिसमें पिलर खड़े होते हैं, नीचे जो मिट्टी होती है उस सॉइल की जांच होगी कि सॉइल में कितनी मजबूती थी। जहां पिलर लगे थे, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी में कितनी अंदर मजबूती थी और उसके जो पिलर्स हैं वो पिलर्स कितनी मजबूत थे, उनकी भी एक जांच जो है उसका भी मटेरियल लिया गया है, सॉइल का मटेरियल लिया गया है। तो इन सब का मटेरियल की ये जांच होगी। और क्षेत्रीय जो निवासी हैं उन लोगों का कहना है साफ तौर पर कि जब ये टंकी का निर्माण शुरू हुआ था तभी इसकी भ्रष्टाचार संबंधी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और हमने जो है इस पर कार्रवाई की मांग करी थी कि ठेकेदार घटिया किस्म का जो है मटेरियल लगा रहा है।
तो इस पर जो है किसी ने इस ओर कोई उनके धरना प्रदर्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो पास में ही जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक मार्ग क्षेत्र के राजेश चौधरी रहते हैं, उन्होंने भी इस पर जो है आपत्ति जताई थी और तमाम उन्होंने अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत करी थी, लेकिन उस समय जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये भ्रष्टाचार की टंकी भरभराकर धराशायी हो गई थी। फारूक, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर भी विरोध किया गया था जब इसका निर्माण हो रहा था पानी की टंकी का, तो पानी की टंकी गिरी तो जाहिर सी बात है कि बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। त्रिलोक सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया फारूक? अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, बस पुलिस का ये कहना है कि अभी इसमें पहली गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि त्रिलोक सिंह रावत भी जो है वो उसी टंकी के कॉन्ट्रैक्टर थे, इसमें तीन ठेकेदार थे, जो तीनों ठेकेदारों की खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें मुकदमा लिखा गया है, और उस मुकदमे में ये पहली त्रिलोक सिंह रावत की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मैसेस बनवारी लाल और मैसेस एसएम कंस्ट्रक्शन जो है उनकी भी गिरफ्तारी होनी है, पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी हुई है, और ये जांच जो है यहाँ पे कई जो है टीमें बनाकर जांच करी जा रही है, और टीमों को उनकी गिरफ्तारी में भी लगाया गया है साथ तो, और दूसरी ओर जो है जो विभाग है जल निगम जिसने ये टंकियों का निर्माण करवाया था उनके इंजीनियर्स को भी 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, और उनके खिलाफ जो है विभागीय जांच भी जो है चल रही है। तो ये खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया था, और मुख्यमंत्री ने मरने वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे की भी उन्होंने तत्काल घोषणा करी थी, और उन्होंने कहा था कि घायलों का प्रॉपर इलाज होना चाहिए, कोई कोताही ना बरती जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मथुरा हादसे का जो है संज्ञान लिया हुआ है, और डेली अपडेट दे दी। फारूक, सवाल ये है कि अगर इंजीनियर्स इसमें लापरवाही करते हैं तो क्या सस्पेंड मात्र कर देना ही उनके लिए काफी होगा? क्योंकि लोगों की जान जाना, लोग इतने बुरी तरीके से घायल हुए हैं, और साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि यह पानी की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सवाल यह है कि इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, और कार्रवाई में गिरफ्तारी अभी त्रिलोक सिंह की क्यों, बाकी लोग कहां है अभी, उनकी गिरफ्तारी कब तक? सवाल तो ये है। जी बिल्कुल शिवम, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि इसमें जो है जो संबंधित इंजीनियर्स थे उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जरूरी बनती है, क्योंकि इतने लोगों का जो है कैजुअल्टी हो जाना और घायल हो जाना और कम से कम 20 मकानों का टूट जाना उस टंकी के गिरने से, पूरा क्षेत्र एकदम पानी से लबालब हो जाना एक बहुत बड़ा हादसा है, और 2021 की बनी हुई टंकी और 2023 में नगर निगम को हैंडओवर करी गई थी वो टंकी, यानी कम समय में एक टंकी का गिर जाना, ये जो इंजीनियर थे जिनकी देखरेख में ये बनी थी, और ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके टाइम में भी जरूर जांच हुई होगी, जो ठेकेदार मटेरियल लगाता है वो मटेरियल की संबंधित विभाग को जांच करना भी जरूरी होता है, यानी उसके क्यूब बनते हैं, जो आरसीसी का काम होता है उसके क्यूब बनाए जाते हैं, उन क्यूब की जांच होती है प्रॉपर तरीके से, और वो लैब में कहीं ना कहीं टेस्ट कराए जाते हैं। यानी फारूक, एक चीज कहना गलत नहीं होगा कि पानी की टंकी गिरने के बाद अगर प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टिया ये देखा जाए तो चाहे जल निगम हो या इनके इंजीनियर्स हो या निगम हो या इंजीनियर हो अधिकारी हो जो कुछ भी हो या बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो मालिक हैं, यानी पूरा प्रशासन जुट करके इसमें भ्रष्टाचार किया हुआ है, और यही वजह है कि लोगों की जान गई और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फारूक जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार तो हुआ है, बिना भ्रष्टाचार के इतना बड़ा हादसा हो जाना और 2 साल के अंदर मात्र टंकी का गिर जाना, और वो भी क्षेत्रीय काफी क्षेत्र आबादी वाला है, उस आबादी वाले क्षेत्र में टंकी का गिर जाना, और ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें जो अधिकारी विभाग के या संबंधित जिन पे शिकायत गई उनकी देखरेख में जो है टंकी का बनना और उसके बाद में उनके खिलाफ एफआईआर ना, बहुत 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 धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के झालरापाटन की लालबाग कॉलोनी में भू माफियाओं की मनमर्जी और नियम कानून को ताक पर रखकर बेचे जा रहे हैं जन सुविधाओं की भूमि, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थानों को भी नहीं बख्श रहे, लेकिन दूसरी तरफ भू माफियाओं की नजर गिद्ध की तरह नगर पालिका पूरी तरीके से उनके आगे नतमस्तक है।
भूमाफिया बिना किसी डर से सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की आंखों के सामने हो रहे अवैध निर्माण पर नगर पालिका आंखें मूंदे बैठी है। जिला कलेक्टर की फटकार का भी असर पालिका प्रशासन पर नहीं दिखाई दे रहा है। डीएम के फटकार के बाद भी पालिका प्रशासन इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर कोटा से जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या वजह है कि भू माफिया, उनमें ना प्रशासन का डर ना किसी का खौफ, और निर्द्वंद होकर पेड़ों की कटाई और भूमि पर कब्जा, क्या वजह है कि प्रशासन इनके आगे नतमस्तक है? प्रणय जी, शिवम, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं आपको कि झालरापाटन शहर का ये काम है और लालबाग कॉलोनी है, जहां कॉलोनाइजर्स ने मनमर्जी करके जन सुविधाओं की जो जगह थी उसे बेचने पर आमादा है। आधी बेची जा चुकी है, कुछ बेची जा रही है, और लगातार ये सारा कार्यक्रम नगर पालिका इससे बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर नगर पालिका स्थित है उसके सामने हो रहा है। अब यहाँ पर बची हुई जो धार्मिक और प्राचीन महत्व वाले खुले स्थान है वहाँ पर भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका अधिकारी शहर के बीच में होने के बावजूद इसे रोकने की बजाय अवैध निर्माण को श्रेय दे रहे हैं। लालबाग की पूरी कॉलोनी में एक ही खुला स्थान बचा हुआ था जहाँ रेन के बालाजी के नाम से प्रसिद्ध और प्राचीन कुंड स्थित है। अब रेन के बालाजी के नाम से रेन एक पेड़ है जिसके नाम से बालाजी का नाम था, तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं रेन का जो पेड़ है, रेनी का जो पेड़ है उसे काटा जा रहा है और हरा भरा पेड़ है, और कॉलोनी में बेचे गए सार्वजनिक उपयोग के स्थान के एवज में इस स्थान पर पार्क और पब्लिक यूटिलिटी विकसित की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो जगह छोड़ी गई है मास्टर प्लान में, उस मास्टर प्लान को भी बदला जा रहा है और उस पब्लिक यूटिलिटी की जगह पर निर्माण कराकर भू माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी तरह का, कोई कागजात नहीं है, लेकिन अवैध रूप से बेचा जा रहा है। कितनी माफियाओं की लगी हुई है। अगर इस तरह से भू माफिया पूरी तरीके से प्रशासन को अपने पैरों तले रखकर वो निर्द्वंद होकर अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि वो पर्यावरण विभाग जो जरा सी आंधी आने पर पेड़ गिर जाए, तो जिसके घर के सामने पेड़ गिरा उसके घर पर एक्शन होता था, वो सैकड़ों साल के ये जो पुराने पेड़ हैं अगर ये कट रहे हैं तो उनकी आंखें क्या बंद हैं? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है? सवाल तो ये है कि प्रशासन उनके आगे नतमस्तक क्यों? क्या भू माफिया के द्वारा उन्हें कुछ इसका हिस्सा उन तक पहुंचाया जा रहा है? क्या यही वजह है कि इनसे दूरी बनाई जा रही है? पढ़ाए शिवम, लगातार ये मिलीभगत की पूरी घटना है, बिना प्रशासन के मिले ऐसा नहीं हो सकता है। झालावाड़ के जिला कलेक्टर पहले नोटिस दे चुके हैं, तो नगर पालिका के ईओ है उनको नोटिस भेज चुके हैं, सख्त हिदायत दे चुके हैं, उसके बावजूद भी और ये पेड़ ही नहीं काटे जा रहे हैं, यूटिलिटी की जगह नहीं उपयोग में ली जा रही है। साथ में मास्टर प्लान में जो रोड है 60 फीट का रोड है और कहीं 40 फीट का रोड है, तो 60 फीट के रोड को 28 फीट कर दिया गया है, 40 फीट के रोड को भी 28 फीट कर दिया गया है, और रोड पर निर्माण कर लिया गया है और दुकानें बना दी गई हैं, बेची जा रही हैं लगातार। इसके बाद में जो 18 मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि सड़कों को आधा करके दुकानें बेच दी गई है। इस नेमी नगर लालबाग स्थित कृषि भूमि पर जमीन मालिकों ने अवैध तरीके से भूखंड बेच दिए। फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा शासन प्रशासन और ये भूमाफिया, इनमें कोई अंतर तो रह नहीं गया है, क्योंकि सब अगर मिलकर, क्योंकि अगर रोड भी भूमाफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं तो उस पर कंस्ट्रक्शन विभाग नहीं बोल रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है पर्यावरण विभाग नहीं बोल रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, यानी कि सब मिलजुल कर खिचड़ी पका रहे हैं। फिर पढ़ाए जी, बिल्कुल मिलीजुली खिचड़ी है, पूरा रोड काट दिए गए हैं, रोड को काट कर बेचा जा रहा है, दुकानें बनाई जा रही है, करोड़ों रुपए का मामला है। और जैसे हमने यहाँ पे मालूमात की थी झालावाड़ में और पाटन में जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे मालूमात किया था, तो बताया था कि प्राचीन कुंड है और प्राचीन में इस जगह बड़ी थी, लेकिन इससे छेड़छाड़ की जा रही है, लगातार कोटा जा रहा है, काटा जा रहा है, कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी के सभी रास्तों को छोटा कर दिया है, भूखंड बड़े करके बेच दिए हैं, मतलब रास्ता छोटा करके किया है और भूखंड को बड़ा कर दिया है, तो ऐसे करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है उनको, जिससे सड़कों के आसपास की जगह की पार्किंग की जगह नहीं बची है, गलियां बेहद सकड़ी हो गई है, पार्क के नाम पर कोई स्थान यहाँ नहीं बचा है, लेकिन पेट्रोल पंप के सामने रेण के बालाजी के आसपास कुछ खुला हुआ स्थान बचा हुआ था, तो लेआउट में परिवर्तन करके इस स्थान को भी काटा जा रहा है,
बेचा जा रहा है। और हमारी इस बारे में जो मंत्री जी हैं उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब देखना ये होगा कि कार्रवाई क्या होती है। लेकिन वॉइस ऑफ मतलब इंडिया वॉइस इस मुद्दे को लगातार नजर बनाए हुए है, इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। प्रणय, सवाल यह है कि अगर डीएम के फटकार के बाद भी भूमाफिया जो है वो अवैध कब्जा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिलाधिकारी तो उनके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। क्या जिलाधिकारी के पास इतनी भी पावर नहीं है कि ये भूमाफियाओं पर सख्त एक्शन ले सके? इसमें दो ही कंडीशन बनती है, या तो जिलाधिकारी महोदय भी इसमें मिले जुले हुए हैं या उनकी पावर इनके आगे नतमस्तक है, या कोई तीसरी पावर है जो उनके ऊपर से उन पर भी काम कर रही है। यही वजह हो सकता है क्योंकि अवैध निर्माण तो चल रहा है, भूमाफिया तो अपने आप में प्रशासन को नतमस्तक करने पर लगे हुए हैं। जी शिवम, इसमें जिला कलेक्टर की कितनी संलिप्तता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिला कलेक्टर ने फटकार दी थी मतलब नगर पालिका झालापाटन नगर पालिका के अधिकारी को 1 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किया था जिला कलेक्टर ने, और उन्होंने कहा था कि नगर पालिका अधिकारी ने इस कॉलोनी में सुविधाओं के लिए आरक्षित जगह पर बोर्ड लगाकर सुरक्षित नहीं किया है, करने के लिए कहा था लेकिन सुरक्षित नहीं किया है, तो अतिक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है। तो अधिशासी अधिकारी जो है उनका रोकना दायित्व है, रोजाना इस कॉलोनी के बाहर से निकलते हैं, लेकिन जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं अधिशासी अधिकारी हैं इनकी पूरी तरीके से 100% मिलीभगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलेक्टर की क्या भूमिका है उसकी जांच हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये दोनों तो कटघरे में है कि इनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है और इनकी मिलीभगत की वजह से वो माफियाओं पर अंकुश नहीं है, और उनके इनकी आश्रय पर इनका शय से वो करोड़ रुपए की जमीन को जमींदोज करने में और खुर्दबूज करने में लगे हुए हैं। बड़ा है, अब तो सवाल ये उठता है कि अगर भूमाफिया इतने ही निर्द्वंद हैं, निर्भीक हैं, तो अगर शासन प्रशासन सब और नगर पालिका सब मिलकर इनके आगे नतमस्तक है, ये तो फिर तो राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कल को ये तो हाईवे पर जाकर इस तरह से अवैध निर्माण करेंगे, उस पर भी ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो फिर ये राज्य के लिए चिंता का विषय नहीं हो जाता? ये बिल्कुल चिंता का विषय है शिवम, क्योंकि इस तरह का अवैध निर्माण आप सड़क पर ही निर्माण कर रहे हो, जो सड़क सुविधाओं के लिए बनी हुई है उस सड़क को काट कर छोटा कर रहे हो और उस पर दुकानें बनाकर बेच रहे हो, आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई लेआउट आपके पास नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, और जो मास्टर प्लान है उसको आप चेंज कर रहे हो, तो एक तरीके से खुली चुनौती है प्रशासन को। और जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है, तो उनके संज्ञान में जब ये मामला आएगा तब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। हम उनके संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि उनके मामले में ये जो मामला है उनकी संज्ञान में आएगा, सवाल ये है कि अगर इस तरह से अवैध भूमाफिया जो लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं तो अभी तक ये मामला उनकी संज्ञान में आया क्यों नहीं? सवाल तो ये होता है। देखिए अभी संज्ञान में आया नहीं, अब हम इस न्यूज को बड़े नेशनल तरीके से उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, अब जरूर मुख्यमंत्री के आंखों के सामने आएगा। नगरीय विकास मंत्री से हमारी बात हुई थी, हमने थोड़ा सा उनके जानकारी में डाला है मैटर, ये न्यूज पूरी आ जाएगी तो इसके बाद में पूरी न्यूज को उनको भेजकर उसके उनका फॉलो अप लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। वो पूरे तरीके से दृढ़ संकल्प है राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की सरकार के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री बड़े कदम उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी आगे। लेकिन अब ये समाचार अब आया है, अभी तक इस चीज को दबा दिया गया था किसी न किसी तरीके से, जैसे भी ये समाचार को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन हमने बड़ा मुखर होकर इस बारे में चर्चा की है और इस न्यूज को प्रदेश में सब जगह फैलाए भेज रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। और पूरे मामले पर आपकी आप नजर बनाए रखिएगा, अपनी पूरी निगाहें इस पर रखिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन हो जाता है, खासकर तब जब भूमाफिया इस तरह से अवैध कब्जा करने लगे, वो भी सरकारी चीजों पर, दो दो साल पुराने पेड़ों को अगर काटने लगे, तो इस पर नजर आपकी बनी रहनी चाहिए और हम इस मामले को लगातार उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश पासवान ने शनिवार सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों राज्य मंत्रियों ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया।
केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी से मुलाकात की, पंकज चौधरी और कमलेश पासवान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सीएम ने दोनों मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। तो पुष्प गुच्छ यानी कि गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री से मुलाकात और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुलाकात की सीएम योगी से और दोनों मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। तो पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री और कमलेश पासवान ये गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा पाठ करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। तो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और कमलेश पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे भेंट की, उनसे मुलाकात की और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पंकज चौधरी कमलेश पासवान को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, उन्हें शुभकामनाएं दी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और फिर कमलेश पासवान। तो वहीं हाथरस सत्संग में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मिर्जापुर जिले में राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। नगर के चौबे टोला रामटेक से संकट मोचन तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने बाबा को अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में जनता को नहीं पड़ना चाहिए। सरकार से बाबा पर FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी की गई। 3 दिन पहले हुए हादसा आपको बता दें, हाथरस में जो कि सत्संग के दौरान जो भोले बाबा का सत्संग हो रहा था, वहां लाखों की संख्या में महिलाएं और बच्चे गए थे। जहां पे भगदड़ के दौरान 123 लोग जो है कि मरे हुए हैं। बता दें कि हादसे में बच्चे शामिल और महिलाएं शामिल है। कुछ लोग अभी तक हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा कर इलाज करा रहे, हो सकते उनकी मौत कब हो कब ना हो। वहीं बता दें मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर भी मनोज श्रीवास्तव जो है यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो है कि कैंडल मार्च निकाला हुआ है। इस तरह से यहाँ पर भी लोग शोक वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे सामने अभी मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे किस तरह से कैंडल मार्च निकाले और क्या क्या आना चाहेंगे। जी सर, इंडिया वाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उन मृतक आत्माओं के लिए जो कि हादसे का शिकार हुए हैं? हाथरस में जो हृदय विदारक घटना घटी है, एक अंधभक्ति के कारण लगभग 125 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। उन सभी मृतक आत्माओं को जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ विंध्यवासिनी शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को यह महान कष्ट सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे। इसके लिए हम सब चौबे टोला रामटेक से यह कैंडल मार्च निकाले हैं और संकट मोचन तक हम लोगों का ये निकला है। हम प्रदेश की सरकार से, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से हम सभी यह मांग कर रहे हैं कि एक सामान्य सा कांस्टेबल जो बलात्कार के मामले में जेल के सलाखों के बीच गया था, बाहर आने के बाद एक ऐसा तंत्र विकसित किया अंधभक्ति का, जिसके कारण इस प्रकार की एक अमानवीय घटना घटी है। ऐसे ढोंगी बाबा को अविलंब गिरफ्तार करके सलाखों के बीच डाला जाए, तभी इन मृतक आत्माओं को शांति प्रदान होगी। ऐसी बड़ी घटना जो हो गई, इस पर दोषी किसको किसको मानना चाहेंगे वहां पर हाथरस में? निश्चित रूप से जो आयोजक हैं, जो करने वाले और कराने वाले हैं, वो सबके सब दोषी हैं। गोलू जो बाबा जी हैं भोलेनाथ, अपना नाम रखे पाल जी हैं, जो कि अभी तक उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं यौन शोषण के, अभी तक मुकदमे से वो पार नहीं हो पाएंगे, फिर भी जो बाबा का नाम लेकर प्रवचन कर रहे हैं, क्या ये सही है क्या गलत है? ये निश्चित रूप से प्रशासन इस पर कठोरतम कार्रवाई करेगा और जो अब तक उनके पाप है वो पाप उनको सलाखों के बीच ले जाएंगे, हम सबका विश्वास है। भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हादसे पर? प्रदेश सरकार का मामला है, प्रदेश सरकार इसको बहुत अच्छे ढंग से देख रही है, वो डील कर रही है, भारत सरकार का इसमें बहुत रोल नहीं है।
देखिए यहाँ पर भी जो भी कैंडल मार्च निकाले, लोगों का कहना है कि इसमें दोषी जो है जो बाबा है और बाबा के साथ जो आयोजक है जो व्यवस्थापक है उन लोग पर दोषी दिया जा रहा है कि इस तरह से घटना अगर इनको पहले ही देख लिया जाता तो ऐसी घटनाएं न होती। जो बच्चे और महिलाएं भी जो इसमें शामिल हो गए भगदड़ में कितनी जान गवा दिए है, ये जवान एकदम जान बिल्कुल बच जाती, लेकिन ऐसे बाबाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तीन दिन पहले तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।